हाँ तो बच्चों, आज का टॉपिक क्या है अपना? जल्दी से बचाओ बताओ। कल हमने इम्प्लांटेशन कर लिया था सर। तो पार्चुरेशन रह रहा था ना हमारा इस लास्ट टॉपिक, है ना? ठीक, यस सर, तो यस सर, आप आज हम लेक्चर। पार्चुरेशन देखेंगे, ठीक है? ये 2015 में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई में, और यस भूल गया था, मेरे एग्जाम में आया था रियलिटी में, ठीक है? तो देखो, समझते हैं। देखो, पार्चुरेशन का दूसरा नाम है क्या? चाइल्ड बर्थ। हम बोल सकते हैं ना, चाइल्ड के बर्थ को ही पार्चुरेशन बोलते हैं बायो के टर्म में। इंग्लिश में चाइल्ड बर्थ बोल देंगे, कुछ लोग लेबर यस बोल देते हैं, लेम लैंग्वेज, है यस ना, लेबर, या फिर अपने इंडिया में डिलीवरी, है ना? यस ठीक है, अब देखो समझो, बहुत ही ज्यादा आसान है, इससे ज्यादा आसान टॉपिक कोई सा नहीं हो सकता है। देखो, पहली पॉइंट तो इसमें ये जो है ना, इट इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पर पार्चुरेशन होने के लिए न्यूरॉन भी इन्वॉल्व है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है? पहला पॉइंट क्लियर? ठीक यस है, चलो यस देखो होता क्या है कि जब 9th मंथ हो गया ना, जब 9 महीने हो गए तो फीटस डेवलप कर जाएगा, तो ये जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस, अलोंग विद प्लासेंटा, अलोंग विद प्लासेंटा, देखो बच्चे जब 9 मंथ हो जाते हैं तो जो फीटस होता है ना, वो क्या देता है, इनिशिएट करता है, इंड्यूस करता है, इंड्यूस करता है एक माइल्ड सा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? कहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा? यूट्रस में, ठीक है? ये रहा यूट्रस, है ना, और यहाँ पर क्या होता है, एक माइल्ड सा कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन का नाम क्या है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं इसको, ठीक इजेक्शन रिफ्लेक्स। है? तो फीटस ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्शन किया, माइल्ड सा, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, है ना? इसी माइल्ड यस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है? अब समझो, ये जो बच्चा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जैसे ही पहला कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना, जैसे ही फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये क्या कर देगा, ट्रिगर कर देगा ब्रेन को, क्या कर देगा, ब्रेन ट्रिगर हो जाएगा और एक चीज रिलीज होगी, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीटॉसिन, क्या बोलते हैं बच्चा, ऑक्सीटॉसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटॉसिन क्या करता है बच्चे, याद हो तो बेटा, स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है ना बच्चा, हमने सीखा था क्लास 11th में, स्मूथ मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम होता है, ठीक है? और लव हार्मोन भी यही होता है, ठीक है? तो ऑक्सीटोसिन किस पे एक्ट करेगा, एक्ट्स ऑन, बताओ कहाँ पे स्मूथ मसल है, यूट्रस में, माइक्रोमेट्रिक। हाँ, यस तो यूटेराइन मसल कहाँ पर एक्ट करेंगे, यूटेराइन मसल, यूटेराइन मसल बेसिकली कहाँ पर, मायोमेट्रियम में, है ना, तो ये यस मायोमेट्रियम है ना बेसिकली, यस और इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो पहले माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अब कैसा कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्गर, ठीक है? यूटेराइन मसल एंड कॉजेस स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, कॉजेस स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? अब देखो, जी सर। पॉजिटिव फीडबैक सुना है, पॉजिटिव फीडबैक, देखो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, ठीक है? समझो, एक बार मान लो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, ठीक है, तो इसकी वजह से, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगे, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगे, तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, है ना? तो इसके आगे क्या है, अगले पेज में लिख रहा हूं, ठीक है? विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी,
है ना, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होगा अंटिल अंटिल बेबी एक्सपेल आउट, अंटिल बेबी एक्सपेल्स आउट। ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखो समझाता हूँ अब हुआ क्या है, ठीक है, चीजों को समझो। देखो टॉपिक क्या है, पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ। देखो सबसे पहले जब नाइन्थ मंथ कंप्लीट हो जाता है तो फीटस क्या फुली डेवलप हो गया होगा, नाइन्थ मंथ हो गया, तो वो प्लासेंटा के साथ ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत करता है ना, चेन स्टार्ट करता है, सीरीज ऑफ चेन है ना ये। तो सबसे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वो माइल्ड होगी, हल्की सी होगी। इस कॉन्ट्रैक्शन का नाम है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये क्या करेगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर कर देगा ब्रेन को और रिलीज होगा एक बहुत खूबसूरत सा हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और ये ऑक्सीटोसिन का काम ही क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल का। तो ये यूटेराइन मसल पे जाएंगे, एक्ट करेंगे और क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, है ना, और ज्यादा क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे यूट्रस का। ठीक, अब क्योंकि मैंने क्या बोला, पॉजिटिव फीडबैक चेंज चलता रहेगा, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन कराने की वजह से क्या होगा, और ज्यादा सिक्रीशन होगा ऑक्सीटोसिन का, और ज्यादा सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, और ज्यादा बताओ कॉन्ट्रैक्शन, है ना, फिर और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, है ना, उसके बाद और फर्दर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये कब तक रहेगा, अंटिल बाहर ना आ जाए, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? कॉपी कर लिया या कॉपी करना है? करना है, चलो करो। ये वाला कर लिया सर, ये वाला कर लिया दोनों ने। Yes, अच्छा कोई पूछे डिफाइन पार्चुरेशन, वन वर्ड वन मार्क में आ गया तो क्या करोगे, डिफाइन बता, डिफाइन करके दिखाओ। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, हाँ द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, है ना, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस। अच्छा एक चीज बताओ, क्या इस पार्चुरेशन के दौरान इस टाइम पे क्या रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होगा या नहीं होगा? होगा सर। क्यों? क्योंकि फीमेल को पेन हो रहा होगा ना, तो उसको पेन से बचने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये रिलैक्सिन क्या करेगा, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा, तो रिलैक्सिन रिलीज ड्यूरिंग पार्चुरेशन, है ना। ठीक है, अब अगला एक छोटा सा एक नन्ना सा टॉपिक है, क्या है बताओ? लैक्टेशन। लैक्टेशन, इसमें एक ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा, अभी बताता हूँ क्या पूछा जाएगा। लैक्टेशन, ठीक, क्या होता है लैक्टेशन बताओ? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड, है ना, मिल्क का सिक्रीशन, इसी को क्या बोलते हैं, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। लैक्टेशन, ठीक है, तो देखो इसमें काम की बात ये है, जब मेमरी ग्लैंड से मिल्क निकलता है, उस मिल्क को क्या बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट मिल्क जो निकलता है इसका नाम बता सकते हो, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई इज कोलेस्ट्रम इंपॉर्टेंट, या फर्स्ट मिल्क इंपॉर्टेंट क्या क्यों होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि इसके अंदर ना एक एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रोटेक्शन देता है यानी पैथोजन से, बहुत जरूरी है फिटस के लिए। तो जब बेबी क्या करता है, मिल्क को पीता है फर्स्ट मिल्क अपने मम्मा से, तो उसको फर्स्ट मिल्क को क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रम। और ये खास क्यों है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं पैथोजन से, ठीक है, और एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन इस एंटीबॉडी को बोलते हैं आईजीए,
क्या बोलते हैं, IgA, GA. है ना। टोटल कितने एंटीबॉडी होते हैं बता सकते हो बॉडी में? ठीक है, देखो पांच तरह के होते हैं। गम दे, GUM गम होता है ना, तो एक दोस्त अपने दोस्त से मांग रहा है गम दे दो मुझे, गम दे। तो एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी डी और एंटीबॉडी ई। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या हमने एलर्जी सीखा था एलर्जी के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो वहां पर भी तो एंटीबॉडी रिलीज होता है, तो एलर्जी में कौन सा एंटीबॉडी रिलीज होता है? तो ई। ठीक है, और हमारे कोलेस्ट्रॉल में कौन सा होता है? ए। ठीक है, तो लैक्टेशन से क्या क्वेश्चन आएगा? मिल्क के बारे में आएगा, मिल्क का नाम कोलेस्ट्रॉल है, उसमें एंटीबॉडी क्या है? IgA। ठीक है, हो गया सर। हो गया, चलो अगला चैप्टर कौन सा है हमारा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव ठीक है, देखो अभी हमने दो चैप्टर कंप्लीट किया बच्चा, ये बताओ कि एनसीईआरटी हर लाइन इंपॉर्टेंट है या नहीं? पहला लाइन रीड करते हैं तो दूसरे लाइन में भी कुछ काम की बातें दिखती है ना जी। ठीक, लेकिन ये एक लौता चैप्टर ऐसा है ट्वेल्थ में जिसमें बहुत सारी फालतू बातें दे रखी है। ठीक है, तो जितना मैं बोलूं उतना ही पूछा जाएगा एग्जाम में, उसके बाहर का कुछ भी। ठीक, समझो एनसीईआरटी है सबके पास जी सर। ठीक है, देखो आपको असाइनमेंट एक मिलेगा, आप उसी को रीड करोगे, सारे डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें वहां लिखी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको चीजों को समझा देता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी ओपन कर लो अपने अपने चैप्टर फोर। ठीक है, देखो एनसीईआरटी की फोर्थ लाइन है। ठीक है, आपको फोर्थ लाइन में सबसे पहले बता रहा होगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है। ठीक है, तो हेल्दी, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। एनसीईआरटी अपने लैंग्वेज में समझा रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऑर्गन जो कि क्या करें, नॉर्मल फंक्शन करें, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, सिर्फ इस दो लाइन को, एक लाइन जो भी है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। ठीक है, आगे आगे एट लाइन में, दो तीन लाइन नीचे, एनसीईआरटी WHO की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बता रहा है देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेलबींग, टोटल वेलबींग का मतलब समझा सकते हो? टोटल वेलबींग का मतलब डेफिनेशन दिख गई आपको, कहां बात कौन से लाइन की कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कितने एस्पेक्ट हो सकते हैं किसी भी चीज का? फिजिकल है ना, इंसान फिजिकली भी सही हो, यानी ऑर्गन्स वगैरह जो भी हैं वो फिजिकल ऑर्गन्स सारे सही हो, उसके अलावा इमोशनली यस, रिप्रोडक्शन को लेके वो बंदा क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और तीसरा क्या है, सोशली बिहेवियर, है ना, बिहेवियर भी उसका अच्छा होना चाहिए। तो हर तरफ से बेसिकली WHO क्या बोल रहा है, ओवरऑल हर तरह से क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली इमोशनली सोशली बिहेवियर सब कुछ सही होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ भी आपको काम का नहीं मिलेगा, कितनी बार भी पढ़ लो, ना ही नीट के क्वेश्चन बनेंगे ना ही बोर्ड के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक बच्चे दिक्कत है या सही चल रहा है मामला? नो सर। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा समझ लो, काम की चीजें आगे आएंगी दो तीन पेज के बाद, फिर वहां से समझेंगे, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी बोल रहा है तो कुछ समझाना पड़ेगा। अब समझो यहाँ पर
फैमिली प्लानिंग की बात कर रहा है एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है इंडिया का बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लग गया ना, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था, तो फिर पूरी दुनिया में क्या चलने लग गया, फैमिली प्लानिंग की बात चलने लग गई। किसकी? फैमिली प्लानिंग, प्लानिंग, ठीक है। देखो इंडिया में इसकी शुरुआत कब हुई थी, आपको सिर्फ डेटा याद रखना है, इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। कब? आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि फैमिली प्लानिंग की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में, ठीक है। उसके बाद अगले पेज में आ जाइए एनसीईआरटी के, ठीक है। देखो एक आरसीएच का नाम ये आपको याद रखना है, ठीक है, एक टर्म मिलेगा आपको अगले पेज जैसे ही खोलेंगे सेकंड लाइन, ठीक है, आरसीएच। इसका फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये आपको बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड में और पूछा भी जा सकता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। अब देखो इसके फंक्शन आज तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखे हैं इसके दो तीन फंक्शन, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शन है, देखो, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, भाई लोगों में जागरूकता फैलाओ कि भाई रिप्रोडक्शन कैसा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जरूरी है, अरे ये बात समझ में, कॉन्डम का इस्तेमाल करें, ठीक है, ये सारी बातें। दूसरा, दूसरा क्या बोल रहा है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। दूसरा आरसीएच क्या करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। कैसे फैसिलिटीज, अरे सुना है कभी गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये आरसीएच में भी आ जाएगा, ठीक है। ये सारी दो फंक्शन है, ठीक है। आपको काम का, काम की चीज क्या है, आरसीएच का फुल फॉर्म। फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुआ था, 1951, ये दो काम की चीज है। WHO ने डेफिनेशन क्या दी थी, ये काम, तीन चीज अभी तक हमने काम की देखी है ना, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ आगे एनसीईआरटी में, नेक्स्ट पैराग्राफ दिख रहा है, बहुत लंबी सी कहानी दिख रही होगी, है ना। देखो इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी क्या समझाना चाह रहा है, सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ठीक है, ठीक। यानी एनसीईआरटी क्या बता रहा है, एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि इंडिया में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है ना, लोगों को इंडिया में सेक्स के बारे में नहीं मालूम है, ठीक है, सेफ सेक्स के बारे में नहीं मालूम है ना, मल्टीपल सेक्स का क्या क्या दिक्कत होती है। लेकिन एजुकेशन नहीं होगा तो ये सारी चीजें बताएगा कौन, तो सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये सारी चीजों को क्या करने लग गया, सिलेबस में इंटीग्रेट करने लग गया, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, सेक्स एजुकेशन। जैसे कि उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ इंडिया में, बट फिर भी स्कूल में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाने लग गए, है ना, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, बच्चों को समझाया जाए, अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल ऑर्गन्स अलग होते हैं, फीमेल ऑर्गन्स अलग होते हैं, ठीक है। जैसे मेल को मालूम नहीं होता है, ठीक है, मान लो स्कूल में रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाया जाता तो शायद बच्चे को नहीं पता चलता कि फीमेल में क्या क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं या जो भी सारी चीजें, तो फीमेल को मेल के बारे में पता चल रहा है, मेल को फीमेल के बारे में पता चल रहा है ना। उसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STDs, है ना, इनके बारे में बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों को बताया जाता है कि माँ बाप का ख्याल कैसे रखें जब फीमेल प्रेग्नेंट हो, तो उसका किस तरह से ख्याल रखा जाता है, डिलीवरी के वक्त क्या किया जाता है, ये सब बेसिक बातें पूरे पैराग्राफ में एनसीईआरटी बता रहा है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपको मॉरल वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना आपके, चार नंबर के, फोर मार्क्स के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो वो पूछे जा सकते हैं। यस, अब देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, एनसीईआरटी के पेज नंबर 58 में नीचे में एक टर्म दिख रहा होगा जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमनियोसिंथेसिस, है ना, क्या होता है बता दो। It is a technique in which देखो फीटस जो होता है बच्चा, ये जो फीटस होता है एक फ्लूइड के अंदर रहता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। इस एमनियोटिक फ्लूइड से ना, फ्लूइड को कलेक्ट करके इसके क्रोमोसोमल पैटर्न को देख के, इसके अंदर से हम क्रोमोसोमल पैटर्न देखते हैं, और क्रोमोसोमल पैटर्न में तो पता चल जाएगा XX है या XY है ना, तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, सेक्स ऑफ द बेबी, हाँ सेक्स ऑफ द बेबी पता चल जाता है, ठीक है, तो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ठीक है। लेकिन इस चीज को बैंड कर दिया गया, क्यों, इंडिया में इसे बैंड कर दिया गया, क्यों बैंड किया गया, फीमेल 40 से,
फीमेल फोर्टिसाइड्स है ना, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं आज भी इंडिया में, अफसोस की बात है, बहुत सारे पेरेंट्स क्या बिलीव करते हैं कि हमें भाई बॉय चाहिए ना कि बच्ची चाहिए, है ना। तो फीमेल फोर्टिसाइड्स को रोकने के लिए क्या किया, इस चीज को बैंड कर दिया गया है ना, बैंड कर दिया। ठीक है, तो जल्दी से एमनियोसेंटेसिस चार लाइन दे रखा है जो मैंने समझाया, उसी चीजों को जल्दी से रीड करो, देखो समझ में आ रही है नहीं। यस सर। ठीक है, अच्छा सुनो, उसके बाद इसके नीचे ना एक और वन मार्कर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एक वन मार्कर क्वेश्चन बनता है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस बार पूछा जाएगा, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो आईपीएल का तो आपने नाम सुना होगा, बता दिया था कैसे काम करता है ना, उसी तरह एक और बिल होती है जिसका नाम है सहेली। क्या है? सहेली गवर्नमेंट बिल है, ठीक है, और इसमें बनाया कहाँ गया था, इंडिया में ही बनाया गया है, और इंडिया में कहाँ बनाया गया है, CDRI लखनऊ, है ना। पहली बार CDRI के बारे में क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है, ठीक है, इसका मतलब इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आपको बस ये, अभी सहेली क्या आता है अभी बताऊंगा कॉन्ट्रासेप्टिव टॉपिक में, आपको बस ये याद रखना है कि सहेली जो है बनाया किसने, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो पेज नंबर 58 में आपको काम की चीजें क्या है, कुछ भी काम की चीज नहीं है, आपका काम का RCH का फुल फॉर्म है ना, स्टार्टिंग में ही आपको ये याद रखना है, उसके बाद पूरी कहानी भूल जाइएगा, ठीक है। दूसरे जो काम की है एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, अभी समझा दिया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और तीसरी काम की चीज क्या है कि सहेली किसने बनाया, तो CDRI ने बनाया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। कॉपी करना है या बुक में कर लो, निल्सा का नेटवर्क वीक है? यस सर, वीक है। चलो चलो आगे बात करें, शेयरिंग। यस सर। अब हम आ जाते हैं, फर्स्ट टॉपिक क्या था, डेफिनेशन वगैरह था, ठीक है। सेकंड टॉपिक जो है पॉपुलेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, पॉपुलेशन, और कुछ डेटा दे रहा है एनसीईआरटी, क्या दे रहा है, कुछ डेटा दे रहा है समझने के लिए। देखो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1990 में, ठीक है, कितनी थी, अराउंड 2 बिलियन, कितनी थी, अराउंड 2 बिलियन, और 2000 में कितनी हो गई, अराउंड 6 बिलियन, ठीक है। तो सिर्फ अच्छा खासा 100 सालों में 4 बिलियन इंक्रीज हो गया है ना, तो ये टेंशन की बात है, क्योंकि जो अर्थ पे रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है ना, रिसोर्सेज क्या है बच्चे, लिमिटेड है, ठीक है। तो ठीक, एक डेटा तो ये दे रहा है, उसके बाद एक और डेटा दे रहा है इंडिया का, है ना, किसका दे रहा है, इंडिया का। इंडिया में क्या बोल रहा है, जब हमारी इंडिपेंडेंस के वक्त, किस इंडिपेंडेंस के वक्त, है ना, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारी पॉपुलेशन थी अराउंड 350 मिलियन, कितनी, 350 मिलियन, है ना। और आज के अराउंड कब है, मई 2020 को सेंसस लिया गया था, सॉरी 2000 को, तो कितने मिलियन है बताओ, 1 बिलियन, कितना, 1 बिलियन, है ना, 2 बिलियन किसने बोला, 1.2, हाँ, तो मैं कह सकता हूँ कि 6 बिलियन पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की और 1 बिलियन इंडिया की, तो हम कह सकते हैं ना कि हर एक आदमी 6 आदमी में से, है ना, एवरी 6th पर्सन इन वर्ल्ड इज एन इंडियन, ठीक है, एवरी 6th पर्सन इन वर्ल्ड इज एन इंडियन। तो देखो पॉपुलेशन के बारे में एनसीईआरटी यही बोल रहा है,
तो एनसीईआरटी यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है कि इतना देखो इम्प्रूवमेंट हो गया, यानी किस में इम्प्रूवमेंट हो गई है, हेल्थ केयर में। नहीं आ रही बात समझ में? पहले बच्चे जो पैदा होते थे तो वो मरते भी बहुत थे ना, जिसको क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों हुआ, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन क्यों हुई, वाई, है ना? तो उसके कितने रीजन है? नंबर वन रीजन क्या है, जो डेथ रेट है ना, डेथ रेट है ना, दो तरह के डेथ रेट होते हैं, एक तो MMR, ठीक है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है ना, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी रेट, और एक क्या होता है बताओ, IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो देखो समझो, पहले जो हेल्थ केयर सिस्टम था ना वो उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, लेकिन अब बहुत तेजी से हेल्थ केयर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छी होती जा रही है, ठीक है। तो जो पहले डेथ रेट था ना, डिलीवरी के टाइम बहुत सारे मदर की भी डेथ हो जाती थी, जो बच्चे होते थे, छह छह बच्चे होते थे पहले, आठ आठ बच्चे होते थे, जिसमें से दो चार तो मर ही जाते थे, ठीक है, डेथ हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डेथ रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा सुनो, अब पॉपुलेशन, तो यानी यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो ये चिंता की विषय है यानी, yes, है ना? तो सरकार ने एक योजना निकाली, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना न्यूज में, सरकार की योजना आई, ठीक है। देखो, हम दो हमारे दो, नाम सुने हैं? हम दो हमारे दो, नाम सुना है या नहीं सुना है? yes, sir. ठीक है, ये शायद कांग्रेस की सरकार ने निकाली थी, कांग्रेस का तो नाम सुना है ना, ठीक है। yes, तो अच्छा एक बात बताओ, लालू प्रसाद यादव का नाम सुना है? लालू जी, सुना है, ठीक है। ये बिहार बिहार के नेता हैं, तो इनके बहुत सारे बच्चे हैं, आठ दस बच्चे हैं, ठीक है। तो लालू जी से पूछा गया कि आपके इतने बच्चे क्यों हैं, तो लालू जी ने बोला कि हमारे अपोजिशन कांग्रेस थे, और कांग्रेस का रूल क्या था, उन्होंने क्या नारा निकाला था, हम दो हमारे दो, तो मैं अपोजिशन था तो मुझे अपोज करना था इस नारे का, इसलिए मेरे इतने बच्चे हैं, ठीक है। ये जो बच्चे, ठीक है। तो इस पेज नंबर 59 में फर्स्ट पैराग्राफ में यही सारी कहानी दे रखी है, ठीक है, कॉपी कर लो चाहो तो, या रीड कर लो, कुछ भी कर लो। अच्छा अच्छा ये बताओ, तो पॉपुलेशन से फाइट करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा ना? यस सर। निलजा, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन, है ना? अलग अलग कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते हैं, सेरिंग, अब सेरिंग है वो भी, कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? बर्थ कंट्रोल, स्टार्ट करें बर्थ कंट्रोल बच्चे। जी सर। ठीक है, देखो बच्चा, ये जो आप शुरू के तीन पेज है ना एनसीईआरटी, कुछ काम का नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी जो भी उसमें क्या बोलते हैं समरी होती है, जो भी उसमें बताने की कोशिश कर रही करा है, मैंने समझा दिया, कोई दिक्कत है अभी तक यहाँ पे लेक्चर में? नो सर। पक्का सारी चीजें समझ में आई ना? ठीक है। yes. मैं आपको बता भी दूंगा लास्ट में कि क्या क्या आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। अगला बहुत अच्छा सा टॉपिक है हमारा बर्थ कंट्रोल, कितने मेथड होते हैं बर्थ कंट्रोल के? दो। अच्छा, तो हम क्या करते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं या नहीं? यस सर। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होंगे, मतलब किस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स को आइडियल बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे? तो एनसीईआरटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में दे रखा है, ठीक है, नहीं सेकंड
मतलब पेज नंबर 59 सेकंड पैराग्राफ में दे रखा है, मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ और आप लिख भी लो, ठीक है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अरे पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक को यूज करना आना चाहिए ना। yes. यूज करना ही नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी ना। दूसरा क्या होना चाहिए? आसानी से मिल जाए, इजिली अवेलेबल, ठीक है। और सोचो क्या होना चाहिए निलजा? yes, sir. बताओ और सोचो क्या क्या होना चाहिए। Effective. अरे effective होना चाहिए। हाँ, देख के बोल दो, बुक खुला हुआ है ना सामने, ठीक है। yes. और क्या होना चाहिए? लीस्ट, बहुत कम साइड इफेक्ट होने चाहिए। साइड इफेक्ट क्या होने चाहिए? बहुत कम, या हो भी गए तो रिवर्सिबल होने चाहिए। तो क्या आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? जो आसानी से यूजर फ्रेंडली हो, आसानी से मिल जाए, अच्छा काम करे और साइड इफेक्ट ना के बराबर हो। आ गया एग्जाम में तो लिख दोगे? यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। बर्थ कंट्रोल मेथड्स कितने हैं? बता सकते हो सबसे पहला क्या है? नेचुरल, नेचुरल मेथड है ना। दूसरा क्या होता है हमारा? नेचुरल yes. का एक और नाम है ट्रेडिशनल भी। दूसरा क्या होता है हमारा? बैरियर। बैरियर। तीसरा क्या है हमारा? आईयूडीज, ठीक है। अगला क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ना। हाँ जी सर। अब यहाँ से कॉपी करते रह सकते, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शंस टाइप का, ठीक है। और इम्प्लांट्स, एक एक करके सबको देखेंगे। और फाइनली सर्जिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चा? इससे मैं डिस्कनेक्ट हो गई। कोई बात नहीं, चलो वापस आ जाओ। हो गया सर। हो गया, तो हेडिंग डाल लो नेचुरल मेथड, ठीक है, छोटा सा नेचुरल मेथड। यस। नंबर वन। देखो इसमें सबसे पहला होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, है ना। देखो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का समझो, फर्टाइल पीरियड में ना, फर्टाइल पीरियड में क्वाइटस नहीं करना है, फर्टाइल पीरियड में क्वाइटस नहीं करना है। फर्टाइल पीरियड समझा सकते हो क्या होता है? मैंने डिस्कस शायद किया था। जब मतलब ओवरी से ओवम वो निकलेगा, तो कौन से डे से कब तक होगा सबसे ज्यादा फर्टाइल? 14th डे पे ओवम निकलता है या नहीं निकलता है? ओवुलेशन। हाँ, 14th डे पे, है ना। और ये समझो, तो हो सकता है 14th डे से पहले हो जाए, है ना, चांसेस है ना। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है ना 14th डे पे, तो 3-4 दिन पहले ले लो, दिक्कत का पीरियड है ना। तो यानी 10th डे ले लो मैं यहाँ पर, है ना, और 14th डे के 3-4 दिन बाद भी ले लो 17th डे। अगली बात समझ में, तो बस मेंस्ट्रुअल साइकिल के इस डे पे 10th डे से लेकर 17th डे हम क्या करेंगे? सेक्स नहीं करेंगे, क्वाइटस नहीं करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं प्रेगनेंसी से, क्योंकि इस यही पीरियड क्या होता है? फर्टाइल पीरियड होता है। इसी में क्या होता है? ओवम हमारा रिलीज होता है। कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है। अच्छा सेकेंड क्या होगा हमारा? क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस।
इंटरप्टस का मतलब इंटरप्ट कर लेना है ना, तो क्वाइटस के बीच क्या लगा दे, किसी तरह का इंटरप्शन निकाल दे, उसका मतलब क्या होता है, विड्रॉल ऑफ पीनस फ्रॉम द वजाइना बिफोर इजैकुलेशन, विड्रॉल ऑफ पीनस फ्रॉम वजाइना बिफोर इजैकुलेशन। अरे जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला हो, जैसे ही सीमन वजाइना के अंदर एंटर करने वाला हो, है ना, उसी समय क्या करना है, पीनस को बाहर निकाल लेना है। तो क्या होगा, सीमन बाहर जाएगा, वजाइना के अंदर कोई सीमन नहीं गया, स्पर्म नहीं गया, तो क्या होगा, बच जाएंगे प्रेगनेंसी से, है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। हां तो प्रेगनेंसी से बच गए, क्वाइटस इंटरप्टस। क्या ये सेफ तरीका है, क्या ये सेफ है? नो सर, बिल्कुल सेफ नहीं है, ये तो किस्मत की बात है। चलो अगला है लैक्टेशन। लैक्टेशन एमोनोरिया है ना। देखो इसमें क्या होता है बच्चा, एक बात बताओ, जब लैक्टेशन का पीरियड चल रहा होता है ना, जब लैक्टेशन का पीरियड चल रहा होता है ना, उस समय जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना बच्चे, वो स्टॉप हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, तो क्या ओवम रिलीज होगा? नो सर। ठीक है, तो इस समय सबसे अच्छा है सेफ सेक्स, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन कितने महीने तक चलेगा ये जो लैक्टेशन है, विमेन है ना, डिपेंड करता है, कोई अपने बच्चे को 2 साल भी मिल्क पिलाती है, यस यस, कोई 6 मंथ भी, तो ये कितने महीने सेफ है, 6 मंथ, जब तक लैक्टेशन हो, यस नहीं, जब तक नहीं, सिर्फ 6 मंथ तक से। अब लैक्टेशन 2 साल तक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना, सेफ सिर्फ 6 मंथ। यस नोट कर लिया सर। नोट कर लिया, यस। अगला कौन सा मेथड बच्चे? बैरियर मेथड। बैरियर, ये क्या बना दिया, बैरियर मेथड, बताओ क्या समझ में आता है नाम से, ये रहा स्पर्म, ये रहा ओवम, दोनों के बीच में लगा दो दीवार, बैरियर, तो इस तरह के मेथड को क्या बोलेंगे, बैरियर मेथड। यस। तो इसका बेसिस क्या है, बेस्ड ऑन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म कमिंग टुगेदर, बस स्पर्म और ओवम को एक साथ आने से रोक दो, स्पर्म और ओवम को एक साथ आने से रोक दो, ठीक। तो सबसे पहला इसमें क्या है, कॉन्डम, ठीक है। आपको कॉन्डम के बारे में एक दो चीजें याद रखनी है जो पूछा भी जा चुका है। कॉन्डम इज मेड अप ऑफ थिन रबर, किसका, किस चीज का बना होता है, थिन रबर, या इसको लेटेक्स शीट भी बोल रहे हैं एनसीईआरटी, लेटेक्स शीट इज बेसिकली ये रबर, ठीक है। तो कॉन्डम किसका बना, थिन रबर का लेटेक्स शीट, ठीक है। अच्छा कॉन्डम सिर्फ मेल का होता है या फीमेल का, दोनों, दोनों, ठीक है। तो कॉन्डम मेल के लिए भी होते हैं और फीमेल के लिए भी, ठीक है। फीमेल कॉन्डम को फेमिडोम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेमिडोम, ठीक है। अब समझो बात समझो, अच्छा मेल कॉन्डम जो है पीनस पे हम कवर करेंगे, है ना, पीनस के ऊपर ये, ठीक है। फीमेल कॉन्डम को कहाँ पर यूज करते हैं, या तो वजाइना के अंदर एंटर करा डाल लगाएंगे, यूज करेंगे, या फिर सर्विक्स में, है ना, yes. ठीक है, या तो आप वजाइना भी यूज कर लो, है ना, या तो यहाँ पर सर्विक्स भी यूज, ठीक है। अच्छा इसकी नुकसान की बात करें कि कुछ कमी है क्या, ड्रॉबैक्स है क्या इस कॉन्डम के, यस, क्या, पहली बात तो नॉट रीयूजेबल, ठीक है, एक तो ड्रॉबैक कि हम इसको ये कर सकते हैं, और लॉन्ग टाइम मेथड नहीं है,
चलो ये तो ड्रॉबैक में इसको नहीं काउंट करेगा। अच्छा बस इसका ड्रॉबैक एक ही एनसीईआरटी में, नॉट रियूजेबल है ना, आप एक ही याद रखो। यस चलो अच्छा इसका फायदा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट, क्या बेनिफिट मिलता है कॉन्डम से? बच्चा प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी, हाँ जैसे कि एड्स। अच्छा समझो भाई सीमेन तो इसी कॉन्डम में रह गया ना, तो जो भी वायरस है इसी कॉन्डम में रह गए तो फीमेल के बॉडी में एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो एसटीडी से बचने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है चलो कॉन्डम के बारे में इतना ही था। बैरियर मेथड में दूसरा क्या है, दूसरी जो चीज है जो सर्विक्स में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है कहां पर इस्तेमाल करते हैं, सर्विक्स यानी फीमेल में इस्तेमाल करते हैं, यानी दूसरे जो बैरियर्स हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म और ओवम को रोकेंगे मिलने से, लेकिन कहां पर इसको इस्तेमाल करेंगे, तो फीमेल के सर्विक्स में। इसके तीन एग्जांपल हैं, इसके क्या है तीन एग्जांपल है, डायफ्रैगम ठीक है, उसके बाद सर्विकल कैप्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स। ये सब के सब कप के जैसे ही दिखते हैं कुछ इस तरह से, और सबको सर्विक्स में इस्तेमाल करना है। इधर से सीमेन जो भी जाएगा, स्पर्म जो भी जाएगा, इसी कप में स्टोर हो जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है yes. अच्छा नोट डाल के एक बात लिखना, इन जो भी ये तीनों के साथ ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्पर्मिसाइडल्स, स्पर्मिसाइडल या तो क्रीम ले लो, स्पर्मिसाइडल क्रीम ले लो, या तो क्या ले लो, जेलीज ले लो, या तो फोम ले लो, है ना, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है बैरियर मेथड के साथ। मैं समझा रहा हूँ, देखो समझो, मान लो ये कप है तो इसके अंदर क्या लगा दो, स्पर्मिसाइडल क्रीम लगा दो, स्पर्मिसाइडल क्रीम का मतलब वो क्रीम जो स्पर्म्स को मार दे, है ना, तो इसके अंदर क्या लगा देते हैं, क्रीम लगा देते हैं, तो और ज्यादा क्या मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है yes. तो वही मैं बता रहा हूँ, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूज्ड यूजुअली ठीक है। इस पॉइंट से अग्री करते हो आप? यस सर। पिछला पेज लिख लिया था, स्लाइड देखो, यस सर ये लिख लिख लिया था। चलो फिर शेयरिंग गायब, नेटवर्क इशू हो गया, समझो। अगला क्या है, डिवाइस, आईयूडीज, क्या है आईयू, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे, इंट्रायूटराइन डिवाइस, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, मतलब ये जो डिवाइस है इसको कहाँ पर हम फिट करेंगे, यूज करेंगे, यूट्रस है ना, जैसे कि कॉपर टी, तो यहाँ पर यूट्रस मान लो ये है ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, टी कॉपर का टी बना होता है इस शेप का, ये डाल देंगे। ठीक है तो आईयूडीएस को कहाँ पर डालते हैं, अच्छा यूट्रस, हाँ तो नॉर्मल पब्लिक नहीं डाल सकती है, इसको इंसर्ट करने के लिए क्या चाहिए, इंसर्टेड बाय, इंसर्टेड बाय डॉक्टर या ट्रेन्ड नर्सेस, है ना, यस सर। अच्छा कॉन्डम में एक और बात, ये ना जो कपल है ठीक है उनको फुल प्राइवेसी देते हैं ना, इसलिए बहुत पसंद किया जाता है, और सबसे ज्यादा सेफ जो है कॉन्डम होता है, ये दो पॉइंट मैं बताना भूल गया, सबसे ज्यादा सेफ जो है कॉन्डम है, लेकिन ये भी 100% सेफ नहीं होता है, और प्राइवेसी देता है कपल को, क्या देता है, प्राइवेसी देता है। ठीक है yes. ठीक है अब देखो एक बात बताऊं, इंडिया की सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि ये डॉक्टर और किससे, ट्रेंड नर्सेस से इंसर्ट करवाया जाता है, तो आम पब्लिक को, आम लोगों को लगता है कि ये प्राइवेसी उनकी ले रहा है ना, वैसे डॉक्टर किसी को बताने थोड़ी जाएगा कि लोगों ने आईयूडी का इस्तेमाल किया है, बट फिर भी लोगों को लगता है कि उनकी प्राइवेसी जा रही है, तो इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। ठीक है ये तीन तरह के होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं, एक होता है नॉन मेडिकेटेड, कोई मेडिकेशन नहीं है, नॉर्मल सिर्फ
कॉपर जैसे नॉर्मल आईओडी इस्तेमाल किया, उसके अंदर कोई भी मेडिकेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईओडी। इसका एग्जांपल, ये एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। लिपिस लूप, बोर्ड्स में कि नीट में सर, बोर्ड्स में भी आते हैं और नीट में, क्योंकि ये बोर्ड्स में पूछ लिए जाते हैं तो नीट में कमी पूछते हैं, लेकिन बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईओडीज की एग्जांपल, अभी बताऊंगा क्यों। अगला है कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग आईओडीज, ठीक है, इसके एग्जांपल है कॉपर टी, ठीक है, Cu7 कॉपर 7, मल्टी लोड 325, मल्टी लोड 325। और थर्ड वन इज हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है, इसमें आता है प्रोजेस्टेरेट, एग्जांपल है प्रोजेस्टेरेट एंड एलएनजी 20। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ना इन दो के एग्जांपल में अक्सर भूल जाते हैं, मल्टीलोड 325, एलएनजी 20, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन किसका एग्जांपल है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं उनके, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एग्जाम्पल। अच्छा, ये जो आईओडीज है इसका काम क्या होता है, समझो तीन तरह के आईओडीज है, एक नॉन मेडिकेटेड, कोई भी मेडिकेशन इससे रिलीज नहीं हो रहा है, एक कॉपर रिलीजिंग, यानी ये आईओडी कॉपर रिलीजिंग है तो ये क्या रिलीज करेगा, कॉपर, ठीक है, कॉपर का काम क्या है, स्पर्म को मारने में किस तरह से खत्म करता है वो अभी देखेंगे, और तीसरा क्या है, आईओडी क्या रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज करवाएगा, ठीक है। तो ये जो अलग अलग आईओडीज हैं कैसे काम करते हैं समझो, सबसे पहले ये क्या करवाएंगे, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस का मतलब स्पर्म को खा जाएंगे, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, कोई दिक्कत, अरे स्पर्म को ही खा लिया तो क्या ही फर्टिलाइजेशन होगा। दूसरा क्या होगा, अगर स्पर्म की मोर्टिलिटी को डिक्रीज कर दे, नहीं आ रही बात, तो मैंने बताया था ना 40% स्पर्म जो होना चाहिए विग्रस मोर्टिलिटी शो करना चाहिए, है ना, तो क्या स्पर्म मोर्टिलिटी अगर डिक्रीज हो गई तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी भी डिक्रीज होगी, यस, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो काम है ना, ये स्पेशली कॉपर आयन करते हैं, यानी कोई पूछ दे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आईओडीज, तो क्या करते हैं, स्पर्म मोर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, यस। आगे बात करें और क्या है, तो या फिर यूट्रस को क्या कर देंगे, अनसुटेबल कर देंगे, यूट्रस को क्या कर देंगे, अनसुटेबल कर देंगे, किस चीज के लिए अनसुटेबल कर देंगे, फॉर इम्प्लांटेशन, फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, यानी अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो ये आईओडीज अपने केमिकल हार्मोन्स रिलीज करके यूट्रस को क्या कर देंगे, अनसुटेबल कर देंगे, इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा, बात ही खत्म। या फिर सर्विक्स को क्या कर देंगे, सर्विक्स में ये क्रीम वगैरह आईओडीज क्या कर देंगे, स्पर्म को हॉस्टाइल कर देंगे, मार देंगे, हॉस्टाइल हो जाएगा। ये पेज कॉपी कर लो, ठीक है, हो गया सर, हो गया, ये लिख लो, यूट्रस को अनस्टेबल कर देंगे और स्पर्म को मार देंगे। हो गया सर, हो गया। अच्छा, फोर्थ वन क्या है हमारा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, दो टॉपिक रह रहा है, तो चलो आज के लिए इतना ही, कल डिस्कस करेंगे। यस, थैंक्स।